टॉक अबाउट द ब्लड. अब हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड के कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और वो सारे कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है. पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं. ब्लड एक्चुअली होता क्या है. इट इज अ रेड कलर लिक्विड सर्कुलेट इन आवर बॉडी. ये रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है. अब वो रेड कलर का क्यों होता है. रेड कलर, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन. जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है. किसकी वजह से रेड कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन. अब फोर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के पास. कौन कौन सा? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स. ये चार कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के पास. अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा एक्चुअली होता क्या है. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा. द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड के अंदर हमारे जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है या जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं. इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड. इसका कोई भी कलर नहीं होता है. विच कंसिस्ट ऑफ वाटरी फ्लूइड विद मेनी सब्सटेंस. बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और ये कैसा होता है, वाटरी फ्लूइड. जिस तरह से हमारा वाटर होता है उस तरह से होता है. प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर. प्लाज्मा के पास कितना परसेंट वाटर होता है, 90%. अब MCQs में क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा कितना परसेंट वाटर कंटेन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर 90% होगा तो क्या होगा, 90% वाटर प्लाज्मा कंटेन करता है. देन इट ऑल्सो कंटेन, और इसके पास बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2, यूरिया, साथ साथ में हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते, और ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये भी सब प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होता है. देन हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, विच इज कॉमनली नोन एज RBC. इट इज रेड इन कलर. ये रेड कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट की वजह से हमारा रेड ब्लड सेल मीन्स RBC रेड कलर का होता है. इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ये किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. हीमोग्लोबिन परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू. हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. कहाँ से, लंग से कैरी करता है, और क्या करता है, हमारी बॉडी में, बॉडी के एक एक पार्ट में ट्रांसफर करता है RBC, और साथ साथ में CO2 को भी बाहर निकालने में हमारा हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब बात करें RBC का शेप क्या होता है. RBC किस शेप का होता है, RBC हमारा कॉनकेव शेप का होता है. RBC डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस. RBC के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है. और इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती, 120 डेज. RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती, 120 डेज. 3 मिलियन RBC ऑफ द वुमेन ब्लड डाई एवरी डे. कितना मिलियन RBC डाई होता है एक दिन में, कम से कम 3 मिलियन RBC डाई हो जाता है. और जैसे ही वो मतलब जैसे डाई हो गया, उससे दुगना RBC किसके अंदर बनता है, बोन मैरो के अंदर. मतलब जितना डाई हुआ है, डेथ हो गई जितने की, उससे ज़्यादा RBC किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, हमारे बोन मैरो के अंदर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वाइट ब्लड सेल. इट विल फाइट द इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. ये क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. WBC मेक द केमिकल कॉल्ड एंटीबॉडीज. WBC क्या करता है, केमिकल बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते. और ये एंटीबॉडी करता क्या, इन्फेक्शन से फाइट करता है. देन WBC आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी. इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे फाइट कौन करता है, हमारा WBC करता है. WBC आर स्पैरिकल इन शेप. WBC का शेप कैसा होता है, स्पैरिकल शेप का होता है, नहीं तो इनरेगुलर शेप का होता है. और WBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 1 to 2 weeks. और WBC जो है 6,000 से 8,000 प्रेजेंट होता है, ठीक है. लेकिन हमारा जो RBC होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, 5 million to 5.5 million प्रेजेंट होता है. RBC ज़्यादा होता है as compared to WBC. Then we will talk about the platelets. It is a tiny fragment of special cell formed in the bone marrow. ये क्या होता है, tiny fragment होता है special cell, जो कि किसके अंदर बनता है, हमारे bone marrow के अंदर बनता है.
बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, और उस स्पेशल सेल को बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। देन प्लेटलेट्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियाई, प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और प्लेटलेट्स करता क्या है? ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। मीन्स जैसे अगर हमें चोट लग गई तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को कौन स्टॉप करता है? हमारा प्लेटलेट्स करता है। देन लाइफ स्पैन क्या होती है? प्लेटलेट्स कितने दिन तक सर्वाइव करता है? 2 to 4 days तक। और कितना प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड में प्लेटलेट्स? 1.5 to 3.5 lakhs। कितना होता है? 1.5 to 3.5 lakhs प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते। प्लेटलेट्स के पास कुछ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो उतने 13 फैक्टर प्रेजेंट होते जो करते क्या है? ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्लड। फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्या काम होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ से? लंग से, और उसके बाद हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर करता है। दूसरा फंक्शन है इट कैरीज CO2, CO2 को भी कैरी करता है फ्रॉम बॉडी सेल से टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट, ताकि वो क्या करे? लंग्स हमारा उसको ब्रीथ आउट मतलब रिलीज करने में हेल्प करे। देन नेक्स्ट इज इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन को भी कैरी करता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर करता है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है जैसे यूरिया हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से कैरी करता है? किडनी से कैरी करता है, और क्या करता है? उसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और हमारा ब्लड करता क्या है? ब्लड हमारा जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को कहाँ से? डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे इंटर ना कर सके। WBC क्या करता है? ये फाइट करता है पैथोजन से, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है ब्लड? ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और हमारा बॉडी टेम्परेचर होना कितना चाहिए? 37 degrees Celsius। इस टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है ब्लड। ब्लड जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है।